टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट हम लें, इलेक्शन 3 साल 4 साल बाद, जुडिशरी जो उनसे वो इसको पहचान लें कि कंट्री इज नॉट गवर्नेबल एनी मोर। आज अगर गवर्नमेंट को आप बंद कर दें तो पाकिस्तान में तरक्की शुरू हो जाएगी। आर्टिकल 190 तमाम जो एलिमेंट्स ऑफ स्टेट है दे कम टू असिस्टेंस ऑफ द जुडिशरी, और एक काउंसिल बनाए, काउंसिल में लोग सिलेक्ट करें, अपना टाइम लें, 12, 13, 14 जो उनसे कैबिनेट एक्सपर्ट्स का सिलेक्ट कर लें। आप कह रहे हैं वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर, और अगर हम इस तरह अपने आप को फिक्स नहीं करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुछ सजेशंस हमें जरूर चाहिए होती हैं जी, और एक्सपर्ट्स की अगर सजेशंस हमें मिल जाए तो उसमें हमारे लिए बेहतरी आ जाती है और फैसले करने में आसानियां होती हैं। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अफगानिस्तान जी, अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा एक पोरस बॉर्डर है और अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भी होता है उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे जरूर पड़ता है। हम जितनी मर्जी फेंसिंग कर लें, बट देन अगेन पोरस बॉर्डर का मतलब ही ये है कि वहां पे कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे हम कंप्लीटली उसको हम सील नहीं कर सकते। सेकेंडली मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हमारे जो रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ वो हमेशा रोलर कोस्टर की तरह रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती रही हैं, बट देन अगेन रियलिटी चेक ये है कि अमेरिका इज अ सोल सुपर पावर और वी हैव टू डील विद द सोल सुपर पावर, और बाकी जो इस रीजन में पावर्स हैं दे आर इमर्जिंग पावर्स, बट देन अगेन एक सोल सुपर पावर से हम अपने आप को आइसोलेट भी नहीं कर सकते। उस पर मैं जरूर जानना चाहूंगा, मेरे साथ पैनल पे आज मौजूद हैं जनाब जनरल तारिक खान। जनरल साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। अच्छा जनरल साहब, मैं ये तो मैंने अफगानिस्तान में क्या होता है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है, यू नो बेटर देन मी, एंड जो हमारे रिलेशन है विद अमेरिका उस पे भी मैं आप चाहूंगा कि आप अपनी इनपुट दें, बट एट द वेरी सेम टाइम थोड़े से हमारे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उस पे भी मैं बात करना चाहूंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा ये कि आप मुझे बताएं कि ये जो रोलर कोस्टर की तरह हमारा रिलेशन है विद अमेरिका, सोल सुपर पावर है, हम आइसोलेट भी नहीं हो सकते और हम इग्नोर भी नहीं कर सकते एक सोल सुपर पावर को, और रियलिटी चेक है, उसको हम कैसे लेके चले, और वीजा वेज जरा अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है जहां से नेटो फोर्सेस गई हैं अभी और कुछ अच्छे माहौल में लेट मी पुट इट दिस वे नहीं गई, सो उसको भी जरा मद्देनजर रखें तो मुझे बताएं कि अफगानिस्तान क्या स्टेबल हो सकेगा नंबर 1, और अफगानिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसका इम्पैक्ट तो हमारे पे पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि हम जो मर्जी करें उसका इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान पे, तो वो क्या बेहतरी की तरफ जा सकते हैं अफगानिस्तान के रिलेशंस, और अमेरिका को मद्देनजर रखते हुए उस पर भी जरा रोशनी डाल दीजिएगा कि उसके साथ हमारे रिलेशंस आइंदा आने वाले दिनों में कैसे हो सकते हैं। एक मिड टर्म इलेक्शंस भी होने वाले हैं अमेरिका के अंदर, और वहां पे एक सिचुएशन हो सकता है कि इस वक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की वहां पे सिचुएशन है वो आइंदा आने वाले दिनों में वो ना हो जो अभी है, नवम्बर में हो सकता है सिचुएशन चेंज हो सकती है, उस पे जरा आपकी राय चाहूंगा जी। जी जन साहब, बशीर असल में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप की बात पहले कर लेते हैं, और मैं बता दूं पहले मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं फॉरेन पॉलिसी वगैरह के सिलसिले में, लेकिन जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस है मैं वो बता सकता हूं आपको। और सबसे पहली बात तो ये है कि सॉवरेनिटी की जब हम बात करते हैं तो कोई मुल्क इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स या सुपर पावर भी हो वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी कहीं भी नहीं होती, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। लेकिन हमने जो जिस तरीके से हम बात करते हैं, जिस तरीके से हम बोल रहे होते हैं वो हम ऐसे कहते हैं जैसे कि इट्स इधर अमेरिका और इट इज चाइना और इट इज रशिया, वन और दी अदर, वन एट एक्सक्लूजन ऑफ दी अदर, ये गलत बात है। और हमें अभी एक लेवल पर पहुंचना है जहां पर डिप्लोमेसी, स्टेट्समैनशिप, फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो
जिसके साथ जहां तक जो जरूरत होती है हमारी उसके मुताबिक अपने नेशनल इंटरेस्ट में हम रिलेशनशिप रखें, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं, और जितना जितनी जरूरत है उसके मुताबिक रहे। अच्छा, इससे जरूरत के मुताबिक से क्या मुराद, इसको कैसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे उसपे? वेल, यही तो मैं कह रहा हूं, आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपके जो स्टेट पॉलिसी, आपकी डिप्लोमेसी जो है, वो ये चीजों के जो जो लाइंस हैं, रेड लाइंस वगैरह, वो डिफाइन करती हैं, जो कि हमें नजर नहीं आती है, सिटीजन वी डोंट नो व्हाट दे आर। लेकिन इसमें इट इज नॉट वन और द अदर, ये चीजें बैलेंस होकर एक अच्छा रिलेशनशिप। अभी हम तो हमारी सॉवरेनिटी जो सी है वो अपनी हैसियत के मुताबिक है, और हमको कोई अपने से हटकर ज्यादा जो है ना, वी शुड नॉट बी ट्राई बी टू इन्फ्लुएंशियल इन द वर्ल्ड, जितना कर सकते हैं हमको करना चाहिए। ये तो थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे, जितना हम कर सकते हैं उतना करें, और इसको ये जरा मुझे जरा एक्सप्लेन करेंगे आप, जरा व्यूअर भी समझना चाहेगा इसको। ठीक है, इट्स लाइक डिप्लोमेसी इज अ आर्ट, और मेरे ख्याल में किसी हद तक यहाँ पे हमारे अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेसी, सिटिंग अक्रॉस द टेबल, तो वहां पे अपना मुद्दा बयान करना या अपना इंटरेस्ट जो है वहां पे अचीव करना, ऑब्जेक्टिव अचीव करना, वो थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। लेकिन कैसे, हाउ शुड वी गो अबाउट इट? देखिए, इसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपके साथ बैठकर एक डिस्कशन शुरू कर दूं व्हाट, हाउ डू वी फ्रेम पॉलिसी। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि हमने जब इस सीपैक का शुरू कर दिया चाइना के साथ, और टू थर्ड ऑफ द वर्ल्ड उस कनेक्टिविटी से फायदा उठाएगी, और उसमें बहुत सारा जो है दुनिया का जो GDP है 30% वो उसी के साथ इर्द गिर्द होगा 2030 में, तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स तो कम्पीट करेगा, हम उनको बाहर नहीं रख सकते। और वो जो कंपटीशन अगर करे अग्रेसिवली, तो उसका मतलब ये है कि फ्रॉम साउथ चाइना सी टिल सीपैक वो एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हम रहेंगे। तो अभी इसमें हमको बैलेंस करने के लिए सब कुछ चाइना को नहीं दें, गिव देम अनदर पोर्ट, और ये दोनों चीजें हम कर सकते हैं आपस में बैलेंस करके, लेकिन हम नहीं करते, इट्स वन और द अदर। अब वहां पर चाइना का साउथ चाइना सी में $5 ट्रिलियन का ट्रेड जा रहा था एक जमाने में, अभी ज्यादा हो गया होगा। अब वो ट्रेड को थ्रेटन कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, जब वो थ्रेटन करे तो सीपैक की अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है, जब सीपैक की अहमियत ज्यादा हो जाती है और चाइना कनेक्ट कर रहा है दुनिया के साथ, अमेरिका उसको कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जब कन्वर्ट कर देगा, तो इंडिया की भी एक हैसियत है यहां पर इस इलाके में, तो हम क्यों इस किस्म के काम करते हैं, व्हाई कांट वी कीप एवरीबॉडी ऑन बोर्ड? आप, what you're suggesting is, if I'm getting it right, what you're suggesting is के अमेरिका को भी पोर्ट एक दे दिया जाए पाकिस्तान के अंदर। आप उनको अगर अब चाइना के साथ बायलेटरल एक अग्रीमेंट कर रहे हैं सीपैक का, तो अमेरिका के साथ एक और कर ले कनेक्टिविटी विद अफगानिस्तान, उसके अंदर ट्रेड होगा, जो हम एक ट्रेड कॉरिडोर ही बना रहे हैं ना पाकिस्तान को, तो बनाए फिर ट्रेड कॉरिडोर दुनिया के मुल्कों के अंदर, डोंट हैव एक्सक्लूजन देन। So what you're suggesting is के पाकिस्तान के अंदर एक पोर्ट जो है आप अमेरिका को भी दे दें, ताकि उसका भी इंटरेस्ट यहाँ पे हो। That could be one. मैं तो एक वैसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने मेरे से पूछा था हाउ कैन वी डू इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ये तो इस तरीके से हम एक टीवी प्रोग्राम के ऊपर आधे घंटे में तो नहीं डिसाइड कर सकते। मैंने आपको एक मिसाल दी है कि देर आर सर्टन वेज ऑफ बैलेंसिंग इट। ठीक, सो बैलेंस करने के लिए अगर हम अमेरिका को भी एक सी पोर्ट दे दें यहाँ पे, तो उसका एक इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो सकता है। एंड व्हाट अबाउट इंडिया, दे शुड बी आल्सो पार्ट ऑफ सीपैक और व्हाट? देखिए, हमारी एक नेशनल पॉलिसी है, इंडिया एंड पाकिस्तान ये दोनों एनिमी स्टेट्स हैं, एंड दे विल ट्रीट ईच अदर एज एनिमी स्टेट्स जब तक हमारे मसले हल नहीं होते। उनमें से जो कोर मसला है वो कश्मीर का मसला है। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, वी कैन नॉट कैरी आउट बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स विद इंडिया। ये इट डजंट सीम टू मेक एनी सेंस जब तक ये चीजें रिजॉल्व नहीं हो। ठीक है। अच्छा चले, ये तो एक बड़ी अच्छी सजेशन है, बट देन अगेन आगे अगर हम थोड़े से आगे चले
तो अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से विड्रॉल हुआ है नेटो फोर्सेस का, उससे पे अब जो सिचुएशन है, व्हाट इज इट लाइक, अभी वहां पे क्या सिचुएशन है और वहां पे क्या वाकई ही कोई हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं अफगानिस्तान में? नेटो का जो विड्रॉल था अफगानिस्तान से, वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था, मिलिट्री डिसीजन नहीं था, और लोग उसको एक मिलिट्री डिसीजन से मिलाकर वहां से कंक्लूजन्स निकालते हैं जो कि गलत होते हैं। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था, उसके वजूहत कुछ और है। बहरहाल वहां से नेटो, आईएसएफ, यूनाइटेड स्टेट्स को निकल गए और तालिबान को एक सॉफ्ट वॉक ओवर मिल गया और उन्होंने एक वो पूरा मुल्क ले लिया वहां से। लेकिन उसके अंदर अफगानिस्तान में एथनिक डिवाइड्स हैं और उसके अंदर आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स हैं, तो ये मुख्तलिफ किस्म के डिवाइड जो उनसे हैं, ये तो हमेशा एक्सटर्नल जो एजेंसीज हैं, एक्सटर्नल जो उनसे एलिमेंट्स हैं, वो एक्सप्लॉइट करती। जब तक ये रहेगा इस तरीके से, तो आगे पता नहीं, हमको आई कैन नॉट प्रिडिक्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टेबिलिटी इज राउंड द कॉर्नर। ओके, सो इन द नियर फ्यूचर यू डोंट सी स्मूथ अफगानिस्तान, कंफर्टेबल अफगानिस्तान आपको नियर फ्यूचर में नजर नहीं आता ही, ठीक है? आई डोंट थिंक सो। अब ये यू डोंट थिंक सो, ओके, फिर दे आर अनअवेयर ऑफ दिस थिंग के एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। थोड़ा सा मुझे ये समझा दें कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, मैं जरा थोड़ा सा दूसरी साइड पे आना चाहूंगा, एंड वो साइड ये है कि मैं अभी रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दीज सोशल मीडिया थिंग्स और मैं देख रहा था मुख्तलिफ जगहों में पिछले कई दिनों से। आई नो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ डीएसएस और मुझे थोड़ा सा एबीसी इसकी समझ आती है कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, लेकिन जो मुझे अफसोस हुआ वो ये हुआ कि कई जगहों पे, बड़े बड़े अच्छे ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया के बड़े अच्छे ग्रुप्स जहां पे बड़े अच्छे अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं, उन दे आर अनअवेयर ऑफ दिस थिंग के एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। मैं अपने अल्फाज में वो नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि आई नो व्हाट इट इज, लेकिन आपके मुंह से अगर सुनना चाहूं, क्योंकि उसका एक एसओपी है, वो एसओपी फॉलो होता है, हमेशा से होता आया है, वो जरा आप एक्सप्लेन कर देंगे तो लोगों को जरा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट दरअसल ये एक इंस्टीट्यूशनल मेथोडोलॉजी है, एक तरीका है उसका। इसको बेवजह एक पॉलिटिसाइज किया गया है और उसको और ये कुछ अरसे से हो रहा है, ये जनरल कियानी के बाद से ये शुरू हो गया और अखबारों में आना शुरू हो गया और इस पर बहस होने शुरू होगी और लोग इस पर कमेंट करने शुरू हो गए। देखिये जी, इस पर आजकल जो बात हो रही है कि मेरिट के ऊपर, अच्छा मुझे ये बताएं, व्हाट इज मेरिट, व्हाट डज मेरिट मीन व्हेन यू पिकिंग एन आर्मी चीफ, और ये कौन फैसला करेगा मेरिट, कौन करेगा ये? इधर गुड बी पीटीआई, इधर गुड बी पीएमएलएन, इधर गुड बी पीडीएन, इधर गुड बी पीपीपी, ये फैसला करेंगे मेरिट क्या होता है चीफ का? डू दे नो व्हाट मेरिट इज? ये चीज मेरिट, इसका जो से मेरिट जो से है, इसको क्लियर होना चाहिए। जो भी लेफ्टिनेंट जनरल बनता है वो मेरिट पर बनता है, और ये लेफ्टिनेंट जनरल जो से होते हैं उसमें जो फाइटिंग आर्म के, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, आर्मर, इनके जो होते हैं, इनमें से चार नाम जो सीनियर मोस्ट नाम होते हैं, वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए चले जाते हैं और पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू वो सिलेक्ट होते हैं। इसमें कौन सी बहस करने वाली बात है? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस एवरीबॉडी सो एक्साइटेड अबाउट इट। सो ठीक है, पर एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, हूसोएवर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, उन चार नामों में से एक नाम जो है वो उसको उस पर मुत्तफिक हो सकता है, और ऑब्वियसली विद द डिस्कशन भी होती होगी, डिस्कशन के बाद एक नाम पे वो मुत्तफिक हो सकते हैं। तो इसमें मेरिट की बातें करना है, मेरिट तो ऑलरेडी देयर, मेरिट इज ऑलरेडी देयर, वो जो चार बंदों के नाम जाएंगे वो मेरिट पर ही होंगे तो तब नाम जाएंगे, उन्हीं में से एक बंदा
जो है चीफ एग्जीक्यूटिव उसको कर सकता है, उसके पास पावर्स है उसको रख सकता है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। इट्स अ मीनिंगलेस डिस्कशन, जो इसका कोई पता नहीं फायदा नहीं है। ये वैसे ही एक इसमें लोग बहस करने के लिए एंजॉयिंग इट, बट देयर इज नथिंग टू एंजॉय आल्सो दिस। चार मेरिट ओरिएंटेड नेम्स, फोर और फाइव आर गिवन, and then there's an executive decision or a political decision, you can decide whoever it is, whoever it suits them, wo running is because it's a political decision na, politics or the politicians decide who the chief is, the army doesn't decide. Chale, main isko thoda sa elaborate kar deta hu, aur agar if I'm wrong please correct me. Char panch naam jayenge jo ke merit pe honge, और चार पांच नाम जो मेरिट पे होंगे वो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास जाएंगे, और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो मेरिट पर ही होंगे चार पांच लोग, उनमें से एक बंदा सिलेक्ट कर सकता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये प्रोसीजर है, ऐसी है ना जी? यस बिल्कुल यही है। और वो चार हैरानगी वाली कौन सी बात है और बहस वाली कौन सी बात है इसमें? इसको क्यों इतना बना दिया गया? इट्स माय 33rd ईयर इन दिस प्रोफेशन। हमने कभी इतना वो देखा नहीं था कि हमने कभी, जब प्रिंट मीडिया में भी थे उस वक्त भी हमने कोई इस किस्म की कभी बहस देखी नहीं थी, बट नाउ इट्स लाइक यू नो एवरीवन इज लाइक टॉकिंग अबाउट इट विदाउट नोइंग द प्रोसीजर, और उस प्रोसीजर को सामने भी नहीं रखा जाता, और क्यों उस पर इतनी बहस की जाती है? व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर, और किस एंड से प्रॉब्लम है जो इसको ऐसी जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट इस पे डिबेट की जाती है? इसमें मैं तो नहीं कह सकता क्यों कर रहे हैं, जिस जो कर रहे हैं उससे पूछना चाहिए कि व्हाई आर दे डूइंग इट, बिकॉज देयर इज नथिंग इन इट ना। कोई इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें इसको पोलिटिसाइज किया जाए या कोई ऐसी बात हो। देयर इज अ प्रोसीजर, बस व्होएवर इज द प्राइम मिनिस्टर उसका एक प्रेरोगेटिव है, वो प्राइम मिनिस्टर जो डिसाइड करते हैं, खत्म होगी बात। बिल्कुल ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मुझे ये समझाएं कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आपने आपसे कई मरतबा गुफ्तगु हुई, एंड एक ये जो सिलसिला चल रहा है यहाँ पे, पॉलिटिकल सिलसिला जो चल रहा है और कई सालों से चल रहा है, और बड़ी अनसर्टेनिटी आ जाती है, कभी कभी थिंग्स गो स्मूथ इन द कंट्री, सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, हाउ इज इट पॉसिबल, नंबर वन। नंबर टू, उसके साथ साथ हमने देखा पिछले कुछ सालों में कि जिसका दिल करता है वो इंस्टीट्यूशन को हिट करना शुरू कर देता है, उसमें कोई उसको कोई रुकावट नहीं होती है सच, और वो मतलब अगर फौज की बात करी की जाए या आर्म्ड फोर्सेस की बात की जाए तो उनकी बैशिंग जो है वो एक ऐसा समझा जाता है कि इट्स वेरी मच इन, और इसको ये बड़ा कोई अच्छी चीज है इसकी बैशिंग की जाए, और उसमें बड़ा कोई उस लोगों को बड़ी खुशी महसूस होती है। व्हाट्स रॉन्ग विद ऑल दिस थिंग, क्यों ऐसा होना शुरू हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम? पहले ऐसा नहीं होता था मेरा ख्याल में। कुछ ज्यादा पॉलिटिकल स्पेस मिल गई है लोगों को, उस पॉलिटिकल स्पेस के अंदर जिसको जो मर्जी है वो कह सकते हैं अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा जो लोग बोल रहे हैं। जैसे भी है, दिस इज एग्जैक्टली जो कि दुश्मन जो चाहता है, आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आर्म फोर्सेस का कि नहीं होना चाहिए, योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आपकी होनी चाहिए इकोनॉमी हो सकती है, डेमोक्रेसी हो सकती है, लोग हो सकते हैं, पॉपुलेशन हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इट इज योर आर्म फोर्सेस। तो इसके ऊपर हमला करना, और इस हमले का जो तरीका है उसके दो तरीके हैं। एक है सीनियर लीडरशिप को रैंक और फाइल से अलहदा कर देना, और दूसरा फौज को एज अ होल लोगों से अलहदा कर देना। अब ये एक एजेंडा है जो कि हॉस्टाइल एजेंसीज का है, और द पीपल आर बिकमिंग इनएडवर्टेंटली वो इसका एक कंप्लेक्स बन जाते हैं, और इसमें एक दूसरे को खुश करने के लिए इसके ऊपर वो एक ड्रामाबाजी चल रही है। लेकिन देयर इज नथिंग मच आई कैन से अबाउट इट आपके सामने। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि जो मुझे नजर आ रहा है इस वक्त, एक एम्पास है जहां पर इस वक्त मुझे नहीं लगता कि देयर इज अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू स्टेबिलिटी।
और मैं पहले से भी कह रहा था कि यहां पर एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के बगैर, और मैं शुरू से कह रहा हूं ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के बगैर पाकिस्तान इज नॉट गोइंग एनीवेयर, इट्स नॉट गोइंग टू एनी प्लेस। टेक्नोक्रेटिक सेटअप कैसे लाया जा सकता है? हु इज गोइंग टू ब्रिंग द टेक्नोक्रेटिक सेटअप? पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं है आपकी नजर में मुल्क में स्टेबिलिटी लाने का, और एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वही सोल्यूशन है मुल्क में। आपने मुझे मेरे ख्याल में आज से कई साल पहले भी इस चीज का जिक्र किया था कि 12-15 लोग टेक्नोक्रेट्स चुने जाए और चुन के उनको यहां पे बिठाया जाए और सब चीजें सीधी की जाए वंस फॉर ऑल। वो क्यों नहीं? पहले आपको बताया था और मैंने ये भी आपको बताया था कि एवरी ईयर इज गोइंग टू बी वर्स इन द ईयर बिफोर इट इफ यू डोंट डू इट। एग्जैक्टली अभी यही हो रहा है ना, एवरी ईयर इज वर्स देन द ईयर बिफोर इट। अगर आप रिफॉर्म्स नहीं करते और रिफॉर्म्स करने की काबिलियत, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी नहीं है किसी पोलिटिकल अदारे में, किसी पोलिटिकल पार्टी के अंदर, किसी पोलिटिकल लीडरशिप में रिफॉर्म्स करने का नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है। तो रिफॉर्म्स जो उनसे हैं, आपको ज्यूडिशियल रिफॉर्म्स, डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ द पुलिस, रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मेरिटोक्रेसी जो कि आना चाहिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ज्यादा प्रोविंसेस बनाना, अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड, ये सारी चीजें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है? नन ऑफ देम कैन डू इट। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इसको कैसे टेक्नोक्रेटिक सेटअप कैसे लाया जा सकता है? हु इज गोइंग टू ब्रिंग द टेक्नोक्रेटिक सेटअप? हाउ इज इट पॉसिबल? पहली बात ये, इस पर तो लोग बहुत बहस करते रहते हैं कि ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कौन सी, दुनिया में यही टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट्स ने तो बचाया अपने मुल्कों को, ग्रीस को, इटली को, फ्रांस को, दे बीन टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पर एशियन टाइगर्स थे, ये इन्होंने यहाँ पर सिर्फ जमहूरियत से नहीं एशियन टाइगर्स बने थे। आप लुक ऑन यू का एग्जाम्पल ले लें, हालांकि वो ठीक है, चलो लोग कह सकते हैं कि सिटी स्टेट था, लेकिन देर इज इंडोनेशिया, देर इज मलेशिया, ये सारे मुल्क आपके सामने है, कोरिया था, कोरिया भी है। ये इन्होंने कोई इस तरीके से ये नहीं किया जो हम कर रहे हैं, ये कोई इसका कोई रेसिपी नहीं है। मोर डेमोक्रेसी डज नॉट मीन गेटिंग बेटर, इट्स गेटिंग वर्स इन पाकिस्तान। तो इसके अंदर डेमोक्रेसी हो बेशक हो, लेकिन एक कंट्रोल्ड, नॉट एन अनकंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। और उसका तरीका यही है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आप ले आए। अब कौन सा तरीका है, दैट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट, वी कैन सिट डाउन एंड हैव अनदर सेपरेट शो ऑन इट, लेकिन वो एक सेपरेट सब्जेक्ट, उसमें डिबेट्स हैं बहुत कि कैसे सिलेक्शन होगा, कौन लाएगा, किस तरीके से होगा, बट इट कैन बी डन। ठीक है देन साहब, ये इतने अरसे से मुझे आया, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को कि आपने मुझे कई साल पहले मुझे कहा था, एंड वी हैड अ सॉर्ट ऑफ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस वन, एंड यू केम अप विद दिस सॉल्यूशन लाइक इयर्स एंड इयर्स अगो, लेकिन हो नहीं रहा। मैं उसी चीज पे दोबारा वापस आ रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा। और ये हो, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एवरी डे पासिंग बाय, एवरी ईयर पासिंग बाय, ये सिचुएशन जो है दिन ब दिन वर्स से वर्स होती जा रही है। लेकिन नोबडी, अब मुझे आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू हैपन, बट कैन यू कम अप विद आउटलाइन एटलीस्ट के कैसे किया जा सकता है, कैसे टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाया जा सकता है? व्हेन ऑल दीज, यू नो, इफ वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी, वो अपने परों पे पानी नहीं पड़ने देते। सो टेक्नोक्रेटिक सेटअप इन योर आईज इन is the solution to progress this country, a way forward, but then again iska kaise hoga, kaise, kuch thoda sa outline bhi share kar de mujhe. Theek hai, Bashar, baat ye hai ki jis tarike se hum chal rahe hain, main pehle bhi kehta tha, abhi bhi keh raha hu ki we are doing irreversible damage, hum niklenge nahi isse, jitna hum, we are getting deeper and deeper into a problem. Lekin isme aap jo keh rahe hain ki I should give you a suggestion out here, अगर मैं एक शॉर्ट आपको एक इसका कंक्लूजन बताऊं, आउटलाइन बताऊं, तो इसका बहस शुरू हो जाएगी कि ही इज टॉकिंग अबाउट मार्शल लॉ, ही इज टॉकिंग अबाउट जुडिशियल मार्शल लॉ, ही इज टॉकिंग अबाउट फलाना मार्शल लॉ, इसलिए आई डोंट वांट टू डू इट। इसको अगर आप करना चाहते हैं, लेट्स हैव अ सेपरेट शो, इट रिक्वायर्स टाइम, इट कैन नॉट बी डन ये 10 मिनट के अंदर मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, इट्स नॉट लाइक दैट, नॉट दैट सिंपल। ओके, फेयर एनफ, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, इसके लिए पूरा एक शो करना चाहिए और उसका सोल्यूशन इस तरीके से निकालना चाहिए। इज देर अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स?
हमने असल में वी हमने अपने आप को भी वर्क सेल्स इन टू एक सिचुएशन में जहां पर एक पॉलिटिकल सोल्यूशन कोई नहीं है. यू डू व्हाट यू लाइक, देयर इज नो पॉलिटिकल सोल्यूशन. ये हम ड्रामाबाजी करते रहेंगे लेकिन देयर इज नथिंग लेफ्ट एक्चुअली फॉर अ सोल्यूशन. सो यू आर लाइक कन्विंस्ड ऑल द वे कि देयर इज नो पॉलिटिकल सोल्यूशन टू दिस दीज प्रॉब्लम्स व्हिच द कंट्री इज फेसिंग राइट नाउ. सो टेक्नोक्रेटिक सेटअप ही सोल्यूशन है और आपने एग्जाम्पल्स भी मुख्तलिफ ममालिक के दिए कि वहां पे भी टेक्नोक्रेटिक सेटअप है और डेमोक्रेसी आप कह रहे हैं कि जनाब कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी होनी चाहिए. विद ऑल दिस मीडिया, दिस सोशल मीडिया, दिस इंटरनेशनल मीडिया एंड लाइक इंटरनेशनल प्रेशर्स एंड देयर इज सो मच यू नो व्हिच इज देयर, दिस इज नॉट लाइक एन एरा ऑफ लाइक 80s और 90s. सो इसमें इज इट पॉसिबल कि ये हो सके? जी बिल्कुल हो सकता है. मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मार्शल लॉ कर लें, ना मैं कह रहा हूं फौज को आप लगा दें. एक सिस्टम है, एज अ कंट्री हमने बातचीत शुरू की थी विद यूएस रिलेशन, जिससे मैंने सॉवरेनिटी की बात की. सॉवरेनिटी अगर आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आप सीधा नहीं कर सकते तो कौन सी सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं आप? आपको नजर आ रहा है कि क्या सिचुएशन है यहां पर और हम डर रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी अगर हमने इसको ये चेंज कर दिया. तो फिर इस स्टेप से तो आगे हो जाए ना. यही तो मैं कह रहा हूं कि इस अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग. अगर लोग इस सिस्टम से खुश हैं तो ठीक है, पर खुश रहें, फिर चलें, फिर चलते रहेंगे हम. अगर चेंज करना है तो इस चीज से तो नहीं डरें कि दुनिया क्या कहेगी. मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि यहां पर मिलिट्री रूल ले आए. सो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ मार्शल लॉ, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ मिलिट्री सेटअप, बट यू आर टॉकिंग अबाउट अ टेक्नोक्रेटिक सेटअप. यस. अच्छा. सो अभी जो अगर हम बात करें कि जनाब यहां पे 13 जमातें बैठी हुई हैं हुकूमत के अंदर और उसके अलावा जनाब एक पॉलिटिकल पार्टी है, विदाउट नेमिंग एनीवन बट एवरीवन नोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि जनाब सड़कों पे है, जलसे जुलूस कर रही है, उसके लीडर्स जलसे जुलूस कर रहे हैं, उनके पास जो स्ट्रीट में पावर भी है. लेकिन एट द वेरी सेम टाइम दूसरी जमातें जो 13 की 13 जमातें बैठी हुई हैं हुकूमत के अंदर, वो एक अलग चीज है. वहां उनसे लोग एज सच खुश नहीं है. सो इसका भी कोई सोल्यूशन है या कोई इलेक्शन इसका सोल्यूशन है या क्या इसका हल क्या है? ठीक है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. मुबशर, मैं पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स ए पॉलिटिकल किस्म का बंदा हूं, मुझे कोई इस पे वो नहीं है कौन पॉलिटिक्स में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है नहीं है. मैंने आपको बता दिया कि जो सिचुएशन अभी है इसमें इस वक्त पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर ना कैपेसिटी है ना कैपेबिलिटी है इसको ठीक करने की. इट्स नॉट पॉसिबल, डजंट मैटर हु इट इज, यू कैन हैव इलेक्शन, यू कैन डू व्हाट यू लाइक. आप इलेक्शन करवा लेंगे यही चीज होगी ना, और क्या होगा? व्हाट्स गोइंग टू हैपन? सो इन शॉर्ट, इलेक्शंस इज नॉट द सॉल्यूशन. पॉलिटिकल सॉल्यूशन आपकी नजर में नहीं है. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट मार्शल लॉ and you're talking about a technocratic setup and you have given an example of those countries jahan pe technocratic setup hai aur un mulkon ne tarakki ki hai. Democracy, yes, you're saying democracy honi chahiye but controlled democracy honi chahiye. Democracy ko control kaise kar kiya ja sakta hai, uska thoda sa ek liner bata sakenge aap? Lekin democracy hamesha control rahi hai. If you start from the days of the Greeks jab jinhone democracy introduce ke duniya mein बिफोर क्राइस्ट, उन्होंने जब शुरू किया तो 70% ऑफ द पीपल वर्न्ट अलाउड टू वोट, ओनली 30% वोटेड. जो कि वहां पर थे जो रोमन्स थे, जो उनकी डेमोक्रेसी थी उसके अंदर सिर्फ वो जो थे वहां पर जो काउंसिल थे वो वोट करते थे, बाकी तो नहीं करते थे. बाकी मेजोरिटी तो स्लेव्स थे, वो किधर वोट करते थे? अमेरिका ने बहुत रिसेंटली जो उनसे उन्होंने ब्लैक्स को वोटिंग की इजाजत दी थी अंटिल दे डिडंट सूट देम, दे डिडंट लेट देम वोट. ब्रिटेन ने अभी 1920s के अंदर राइट वुमेन को जो उनसे वोट करने का राइट दिया था, उससे पहले वो वोट नहीं कर सकते थे. तो अभी हम अपने हालात देखें ना, किस तरीके से हम करते हैं. हम तो
अपना वहां पर बैठ जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वी स्टार्ट डिसाइडिंग हाउ टू यूज द डेवलपमेंट बजट एंड गिव इट टू द पार्लियामेंटेरियन, जिनका कोई हक ही नहीं बनता। अगर हम इस तरह के वोट्स करें और ब्लैक लॉज पास करें कि जी यहां पर एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है और वो पाइप फेंक दें, तो लीगल तो है लेकिन मॉरली वी आर इनकरेक्ट। वी कैनॉट, अगर हमारी लीगैलिटी और मोरालिटी दोनों मिलते नहीं है तो हम कैसे गवर्न करेंगे? ठीक, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो इसको कंट्रोल करना है ना, किसी ने तो कंट्रोल करना है। तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट डज नॉट मीन कि लोगों का इसमें नुमाइंदगी नहीं होगी या लोकल बॉडीज नहीं होंगे। अभी लोकल बॉडी आपने कर दी, इट इज जस्ट अ जोक। ये फ्लड्स के अंदर आप देख लें कौन से लोकल बॉडी ने कुछ काम किए यहां पर, या इसको इजाजत दी है काम करने के लिए, या किसी के पास फंड्स थे या कैपेसिटी थी या केपेबिलिटी थी। ठीक, बिल्कुल ठीक है। सो यू राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सो द अकॉर्डिंग टू यू द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स विच वी आर फेसिंग टूडे is a technocratic setup. You're not talking about martial law, you're not talking about the military takeover, aur aapke khayal mein ek controlled democracy zarur honi chahiye. Lekin aur mulkon ka, aapne kai mulkon ka example bhi diya ki kai mulk aise hain jin pe jahan pe controlled democracy bhi hai lekin technocratic setup hai, aur wahi solution hai in sari cheezon ka. Hamare mulk ke andar वे फॉरवर्ड जो है वो एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। आई पुट ऑल दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ माय व्यूअर्स, ही लेट द पीपल डिसाइड कि उन्हें क्या चाहिए, इस मुल्क के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, और अगर ये वे फॉरवर्ड है तो लेट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। फिलहाल राना मुबशर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।